गुल मंडी में धार्मिक स्थल के निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों ने किया विरोध। सराफा बाजार कराया बंद, क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल किया तैनात। भीलवाड़ा शहर के अति संवेदनशील इलाके कहे जाने वाले गुल मंडी क्षेत्र में समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल के निर्माण कार्य को लेकर हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया, जिसके चलते उन्होंने भीलवाड़ा शहर के सराफा बाजार को भी बंद करवा दिया और विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी भीमगंज थाने पहुंचे, जहां उन्होंने समुदाय विशेष द्वारा कराए जा रहे निर्माण को अवैध बताते हुए आपत्ति जताई। चुनाव पर भीलवाड़ा शहर के 3 थानों की पुलिस सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश कर मामला शांत करवाया। फिलहाल पुलिस द्वारा उक्त निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है। हिंदू संगठन के देवेंद्र हाड़ा ने बताया कि गुल मंडी के खारे कुएं वाली गली में अवैध निर्माण के विरोध में रिपोर्ट देने और कलेक्टर को भी ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं, जिसमें हमने यहां पर हो रहे अवैध मदरसा निर्माण नहीं होने देने की मांग की है। इसको लेकर हमने पूर्व में भी नगर परिषद में आपत्ति दर्ज करवाई हुई है और आज इसके विरोध में बाजार बंद करवाएं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा ने कहा कि भीलवाड़ा शहर के गुलमंडी क्षेत्र में खारे कुएं वाली गली में समुदाय विशेष के निर्माण को लेकर पक्ष के लोगों ने आपत्ति दर्ज की है। वहीं इस जमीन के विवाद को लेकर पूर्व में भी दूसरे समाज के लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। वहीं इस मामले को लेकर सराफा बाजार को भी बंद करवा दिया गया था। हालांकि स्थिति को देखते हुए पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता क्षेत्र में तैनात कर दिया गया है। फिलहाल क्षेत्र में शांति कायम है। भीलवाड़ा के गुलमंडी एरिया से पता चला है कि खारे कुएं वाली वार्ड नंबर 29 में कोई कतिपय जमीन थी, कतिपय समुदाय से संबंधित, उसमें कोई निर्माण कार्य चल रहा था, जिसको लेकर किसी दूसरे समुदाय ने आपत्ति दर्ज की। आपत्ति को लेकर सारे लोग भीलवाड़ा यहाँ भीमगंज थाने पर इकट्ठे हुए। उन्होंने जो आपत्ति वो दर्ज कराई है, जिसको जाँच में रख लिया गया है और अभी वो लोग अपना जो ज्ञापन है उसको निर्माण के कार्य को लेकर, निर्माण की परमिशन को लेकर जो उनकी आपत्ति थी वो दर्ज कराने एडीएम सिटी साहब के पास गए। अभी तक जो मेरे पास रिकॉर्ड आया है, इन लोगों ने मुझे दिया है, उसके हिसाब से इनका कहना है कि हमने 22 में पूर्व में लगभग 23 में और 22 में और 23 में भी आपत्ति दर्ज की थी, उसके बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया था। तो अब इसके बारे में स्थिति जो भी रिकॉर्ड नगर परिषद में मौजूद है उससे ही क्लियर हो पाएगी, तो रिकॉर्ड तलब किया जाएगा। अभी वर्तमान में स्थिति के लिए उन लोगों का जो भी उनकी नगर परिषद को लेके जो भी समस्याएं थी, जो भी आपत्तियां थी, उनको जताने के लिए एडीएम सिटी साहब के पास वो लोग गए हुए हैं। पुलिस के स्तर पे इसका रिकॉर्ड प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई रिकॉर्ड के अनुसार की जाए। ये गुलमंडी एरिया सेंसिटिव है, इसलिए अतिरिक्त पुलिस बल शांति बनाए रखने के लिए तैनात किया। स्थिति नियंत्रण में है, वो लोग ज्ञापन देने के लिए भीड़ डिस्पर्स हो चुकी है, मौके पर शांति है, लोग ज्ञापन के लिए कलेक्टर साहब के। जो अवैध मदरसा बन रहा है उसके खिलाफ हम यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि ये अवैध है और मैंने नगर परिषद में भी इसकी आपत्ति लगा रखी है। उसके बाद भी इन लोगों ने अवैध मदरसा और निर्माण की तैयारी कर रखी है और आज अवैध वो जेसीबियाँ चल रही है और ये खुदाई हो रही है। इसके लिए क्षेत्रवासियों ने बाजार बंद कराए हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। अब ये परमिशन तो हमारे को बताई नहीं है, कुछ भी नहीं बताया कि इसमें परमिशन है या क्या है, और नहीं कागज़ बताया था। पहले इन्होंने नगर परिषद की तरफ से एक टेंडर लगाया जिसमें बताई थी सरकारी ज़मीन, जब इनसे पूछा तो भाई कि इन्होंने कहा कि प्राइवेट है। अब प्राइवेट के लिए भी वो ऑब्जेक्शन, भाई मदरसा और जमात खाने के निर्माण कलेक्टर की स्वीकृति चाहिए, उनके उनके पास स्वीकृति है या नहीं है वो भी नहीं बता रहे। और क्षेत्रवासियों में रोष है कि भाई यहाँ मदरसा नहीं बनना चाहिए, बिना वो अनुमति के इन्होंने जैसी वह चला दी और काम चालू कर दिया। नगर परिषद ने नहीं, जो बना रहे पुलिस वालों ने कहा कि भाई कि हम जब तक इनके कागज़ और ये देख लेंगे दूसरी चीज़ें भाई कंप्लीट है क्या नहीं है, जब तक तो इस पर रोक रहेगी।